अस्सलामुअलैकुम मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद अच्छे होंगे। तो अभी बस सुबह सुबह हो गई है और आज जो है ना बेबी की वैक्सीन का दिन है, तो इसलिए मैं और इमोन जा रहे हैं। लास्ट टाइम तो मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन इस बार मैं जा रही हूँ। तो चलो गाइस, लेट्स गो। इमोन और बेबी नीचे चले गए। लाइट्स ऑफ, लेट्स गो। बाय मैगी। घर आ गए और आज हॉस्पिटल इसलिए गए थे क्योंकि डॉक्टर जो है ना उसका अपॉइंटमेंट था, उसको सब कुछ चेक वे किया। रात को सोने के टाइम जो है ना बेबी के नाक से आवाज़ें आती है, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो वो भी चेक करवाना था। तो डॉक्टर ने माशाल्लाह से चेक किया सब कुछ और बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, परफेक्ट, कोई टेंशन की बात नहीं है। बच्चा ना कुछ महीने तक ऐसा करता ही है, तो इसलिए डोंट यू वरी। और फिर घर हम आ गए, अभी बच्चा सो रहा है दूध दूध पी के, और हम भी बहुत थक गए हैं। बिना खाए पिए मैं चली गई थी, खाली पेट में ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच वंच करके, और ये आ गई कॉफ़ी हमारी। तो हम पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी और थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। तो यार आजकल का बस यही रूटीन है कि फिर से बॉटल्स स्टेरिलाइज करने के लिए रख दी हैं, बेबी को सुला दिया है, कॉट जो है बेबी कॉट वो भी सेट कर दिया है। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ कुछ काम से, और घर आके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ सेट किया है, उसके नीचे जो स्पेस था उधर क्या क्या सामान रखा है। तो अभी चलो लेट्स गो। ये वाली कैमरा जो है वो मैं इधर ही छोड़ के जा रही हूँ और हम गोप्रो लेके जाते हैं। तो अभी हम बाहर आ गए हैं और एज़ यूजुअल हमने रिक्शा ले ली है क्योंकि रिक्शे में बहुत मज़ा आता है और करीबी करीबी जगह है ना। तो यहाँ पे इमोन को मैं तंग कर रही थी, बोल रहा है मेरे बाल, मेरा हेयर स्टाइल ख़राब कर दिया। और अभी यहाँ पे ट्रैफिक जैम देखो, मैंने सोचा पैदल ही क्यों ना चले जाए, इतनी भी दूर जगह नहीं है, लेकिन बस रिक्शा पर थोड़ा बैठना था, फ़न करना था। और अभी हम लोग ना पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था, और यहाँ पर ना देख रही हूँ मैं कितना मार्केट में नए नए सामान आ गए हैं, कितने मज़े मज़े के पिलो कवर्स भी चाहिए ना, तो मैं थोड़ा आइडिया कर ले रही थी। और फिर यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग की और यहाँ पे रग्स वगैरह है बाथरूम के लिए, रूम के बाहर के लिए, फिर कारपेट्स है। तो ये सारी डिज़ाइनें मार्केट में नई नई आई हुई है, तो बस चेक कर रही थी और कुछ ख़रीद लिया जो घर जाके आपको दिखाऊंगी। और समोसा खाने का बड़ा दिल कर रहा था, स्ट्रीट फूड हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो फिर यहाँ से 12 समोसे लेके गए हम सब के लिए, दो दो। तो चलो अभी ना हम घर जाते हैं। और घर आते ही क्या हो गया यार, लाइट ही नहीं है, अचानक से लाइट चली गई। तो इन्होंने बोला चलो ये चलाते हैं लेंटर्न, पुराना ज़माना इज़ बैक। तो पुराने ज़माने टाइप हमने चला दिया लेंटर्न, और ये चलाते ही बस ना ऊपर चले गए हम। तो लाइट गई थी ना 10 मिनट्स में ही वापस आ गई, फालतू में ये चलाया ना। लेकिन ये वाला ना इधर पड़ा हुआ है, हमारे घर भी था पाकिस्तान में ऐसा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मार्केट ना भरी पड़ी है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले मार्केट थी वैसे ही अभी मार्केट है, पूरा रश। और इतने सारे कपड़े, बांग्लादेश में टेक्सटाइल बहुत फेमस है, तो यहाँ पे कपड़े आपको बहुत मिलेंगे रास्तों में, कपड़े ही कपड़े। मैं सोच रही हूँ कभी कुछ ना चैलेंज वैलेंज करूँ, क्योंकि इधर बहुत मज़े के सामान मिलते हैं। तो आज ना मैं कुछ देख के भी आई हूँ, बच्चों बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, तो किसी दिन आप लोगों को भी लेके जाऊँगी, घूम फिर के करेंगे। और आज जिस शॉप में मैं गई थी वहाँ से मैंने कुछ लिए हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, बेबी फ़ोटोग्राफी के लिए सामान, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली दो चीज़ें ली है और ये बहुत महंगा पड़ा, मतलब क्योंकि ये है भी बहुत अच्छा, कितना सॉफ्ट है ना, इतना अच्छा लगता है, बस इसमें सो जाए ऐसा लगता है। अरे मैगी भी आ गई, मैगी के जैसा है ये। तो ये दो कलर मिली, एक डार्क एक लाइट, इसमें हम बच्चे के बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स कर सकते हैं और आगे भी किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे पड़ा एक एक 1500 का, 1500 टाका, और प्राइस उन लोगों ने बताई थी 1800 समथिंग। तो थोड़ी सी हमने भी बार्गेनिंग करना सीख ली है, तो बोला भाई कम करो कम करो कम करो। शाम की चाय का टाइम, समोसा तो खा लिया, चाय नहीं पीती तो चाय पी रहे हैं। और ये पंजीरी बनाई थी तो वो मैं गर्म करके लेके आई हूँ। तो अभी हम मज़े मज़े से खाना खाएंगे, और कितना खाएंगे पता नहीं। एक समोसा खाया फिर भी पेट नहीं भरा, फिर पंजीरी इतना हेवी है, इसमें इतने नट्स वगैरह क्या क्या होते हैं। तो ये जो न्यू मॉम्स होते हैं, वो सोबिया मुझे कब से कह रही थी बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन मैंने कभी बनाया ही नहीं। तो उसने बोला ये बहुत हेल्दी होता है बनाओ, इसमें नट्स होते हैं, सूजी होते हैं, क्या क्या होता है। तो फिर फाइनली मैंने बनाया, मैंने और इमोन ने मिल के, और वाकई में बहुत अच्छा है, असली घी में बनता है ये। आप पंजीरी रेसिपी सर्च करना यूट्यूब में मिलेगा, और जिन जिनको वीकनेस हो रही है वो लोग भी ये खा सकते हैं। तो इसलिए ना मुझे इसमें अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये एक चम्मच से ज़्यादा नहीं खा सकते, बहुत हेवी होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग। सेकेंड डे है आज और नेक्स्ट डे,
अभी सुबह सुबह उठ गई हूँ, नाश्ते का वेट कर रही हूँ, सो सो के आई हूँ। आज जितनी अच्छी अच्छी नींद है, लेकिन बीच में उठना पड़ता है ना फीड कराने के लिए, तो नींद ख़राब हो जाती है। लेकिन इमोन भी बहुत हेल्प किया, कुछ दिन से तो मैं ही कर रही थी, लेकिन आज जो है ना इमोन ने उठ उठ के पिलाया था, एक साथ साथ किया। फिर बीच में रात को हम उठ के फिर मूवी देख लेते हैं, बिग बॉस देख लेते हैं, ऐसे हमारा रूटीन चल रहा है आजकल। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन में हमने एक दुकान खोला है, किस चीज़ का दुकान खोला है, चलो। ये हमारा नया दुकान है गाइस, और क्या है, केले ले लो। आज अब्बा इतने डिफरेंट स्टाइल के केले लेके आए, कठली गोला ले लो, सागर गोला ले लो, सोबरी गोला ले लो, चापा गोला ले लो। इतने केले कौन खाएगा, हर किसी के लिए एक चैलेंज होगा। इतने ज्यादा केले कभी नहीं देखा, नॉर्मली अब्बा एक लेके आता है डर्जन, और इतने सारे लेके आया तो मैं बहुत हैरान हो गई थी सुबह सुबह। फिर अब्बा ये लेके आया, ये हमारे फिर में ऐसा चाइना में देखा था कभी के, इतना बड़ा होता है ये, है ना। नॉर्मली तो पाकिस्तान में इतने मिलता है, हाफ हाफ, इतना बड़ा लेमन, एक हाथ जितना लेमन, गोभी, टोमेटो, और ये देखो क्या है, चाइनीज सब्जी है क्या? ये चाइनीज नहीं, बांग्लादेशी, इसको कहते ताल बैगन, ताल बैगन, ताल शेप है, और भिंडी। फाइनली बेबी कोट जो है वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ, कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से सेट किया है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स पड़े, किसी ने क्या लिखा, किसी ने बोला कि उधर इंपॉर्टेंट जो सामान है वो रखो, तो आप सबने बहुत सारे एडवाइसेस दिए कि नीचे क्या रखें, ऊपर क्या रखें, और इसको कहाँ सेट करें। तो फाइनली मैंने बेबी कोट जो है वही सेट किया जो आप लोगों ने मुझे रिकमेंड किया, जो सोफ़ा था मैगी का वो हटा के और बेबी कोट इधर सेट कर दिया है। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले जैसे ही इसको हम खोलेंगे, तो इधर मैंने कुछ ना टेडीज लगाए हैं, ये देखो, ये सारे कोरिया के हैं, इमोन को मैंने गिफ्ट दिए थे, वो सारे हमने इधर लगा दिए, वुडी, और फिर ये बर्डवाइजर एनिमेशन है ना उसके, और फिर ये पू मिकी माउस टेडी, तो ये सारे ऊपर हैंग कर दिए ताकि बेबी जब लेटे ना तो वो ये देखे। और यहाँ पे हमने कैमरा भी सेट कर लिए ताकि जब हम खाना खाने नीचे जाते हैं ना तो हम यहाँ से उसको मॉनिटराइज करते हैं। तो ये बेबी को इमोन हिला रहा है अभी, और ये देखो मोबाइल में कैमरा जो है ना उसका ऐसे आता है, एप्लीकेशन है, फिर ऐसे आप ना मॉनिटर कर सकते हो अपने बेबी को कि बेबी क्या कर रहा है। और फिलहाल बेबी को मैंने इस कोट में रखा है छोटे वाले में, क्योंकि वो इसमें हम ना ऐसे ऐसे करके हिला सकते हैं। और ये अभी इधर सो रहा है, तो इसको ना सोने देते हैं, सो जा सो जा सो जा। ये ऐसा है दिखने में, हम इसको मजे से ऐसे ऐसे झूला भी देते हैं, फिर ये चुप हो जाता है, रोता नहीं है इसमें। फ्रेंड्स नीचे जो है ना, नीचे मैंने बहुत इम्पोर्टेंट सामान रखे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे क्या रखा है। एंड आई थिंक ये वाली एंगल जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि जब बेबी रोएगा तो मैं उसको ऐसे ऐसे हिला दूंगी और आप लोगों से भी इंटरेक्ट करती रहूंगी। तो यहाँ से ये जैसे कैसे खुलता है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नेल कटर रखा है, ये वाला मैंने रिसेंटली खरीदा था बच्चों के नेल्स जो है ना वो फाइल करने के लिए। यहाँ पे कुछ मैंने ये बास्केट्स मंगाए थे, और यहाँ पे मैंने ऐसे टैग्स लगा दिए हैं, तो इसमें मैंने फुल ड्रेस जो है ना, स्लीव्स, पजामा, ऐसे स्टाइल के सामान रखे हैं। तो इसमें क्या होता है कि बास्केट में ना मेला या डस्ट डर्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगी। तो ये कुछ ड्रेस है इसकी, जैसे गर्म गर्म फुल ड्रेस है, ये टोपी क्यूटी क्यूटी सी, ये क्यूटी क्यूटी नरम नरम शर्ट, और फिर ये पजामा, तो इस स्टाइल के जो फुल ड्रेस है ना, और फिर ऐसे वाले फुल ड्रेस बास्केट मैंने रखे हैं, जो स्लीवलेस कपड़े होते हैं या फिर जो कपड़े होते हैं जो बिना टांगों वाले वो रखे हैं, और उसको मैंने नीमा लिख के रख दिया है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के कपड़े हैं, एक जैसे इस स्टाइल के ऐसे, तो सुपरमैन वाले कपड़े, जैसे ये देखो क्यूटी क्यूटी डॉगी डॉगी मैगी वाली ड्रेस, तो मैगी वाली ड्रेस इसको पहनाएंगे, कल पहनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वाली बास्केट है, और इसमें ना मैंने रखा है इसकी जो एक्स्ट्रा जो टोपियाँ हो जाती हैं, फिर एक्स्ट्रा सॉक्स वॉक्स हो जाते हैं, और ऐसे बिब्स जो होते हैं ये वाले दूध पीने के टाइम यूज़ करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ही रखे। एक और टोपी ये हाथों में मिट्टन्स पहनते हैं, पता भी नहीं था इसको मिट्टन्स बोलते हैं, बच्चा होने के बाद क्या क्या चीज़ें पता चल गई है,
मतलब कितना रिसर्च, सारा टाइम मेरा मोबाइल में जाता है, कुछ भी होता है ना बस मैं सर्च करती रहती हूँ। अब मेरा गूगल देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, फेसबुक देखोगे, हर जगह बेबी 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 की चीज़ें मेरे सर्च में है। और अभी ये जो है लास्ट वो काथा रखा है, काथा जो होता है ना बच्चे को स्वेडल करते हैं। नो 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 नो, सो जाओ आती हूँ जल्दी से व्लॉग बना के, सब तुम्हें देख रहे हैं। इसको भी चुप कराते कराते हम लोग दिखा दें आपको जल्दी। और ऐसे स्टाइल के जो स्वेडल है ना, ये भी हमने जमुना फ्यूचर पार्क मॉल से लिए थे, किड्स पैराडाइज से, और बहुत ही सॉफ्ट है। ऐसे और भी चाहिए होंगे क्योंकि तीन लिए थे और तीन तो यूज़ होते रहते हैं, लेकिन बहुत क्यूट है ना, इसमें फोटोग्राफी वगैरह बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए और भी डिज़ाइन जो है ना इस बार मैं जाके लेके आऊँगी। ठीक है, तो ऐसे स्टाइल के स्वेडल है, मसलिन कपड़ा इसको बोलते हैं और बहुत सॉफ्ट है। तो चलो चलो भाई, अभी ये ना हो गया हमारा टूर, यही था बेबी कोट टूर जो कि बहुत ही सिंपल था, और मैंने फाइनली इस जगह पे सेट कर दिया। दूर से नहीं दिखाया ना, अभी दूर से दिखाऊं, उसके बाद हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और एडिट करके आज ही लगा देंगे। तो बेबी कोट जो है ना वो दूर से कुछ इस तरीके से लग रहा है, एंड आई थिंक इट फिट्स परफेक्ट इस जगह पे। वहाँ पे ये लैपटॉप है, काम करते हैं हम, इधर बेबी कोट है और इधर हम लोग हैं। तो फ्रेंड्स यही थे आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन खुदा हाफिज़, बाय बाय।